Hello everybody, welcome at abhimanyu IS, the leader in the preparation for the UPSC and State Civil Services examinations, which has so far produced more than 2200 selections in a time span of just 23 years since its beginning in 1999. Miranam Dr. HSiduha May Abimenu Indian Economy and International Relations teach kartaho. I have been mentoring the civil services aspirants for more than 15 years, and I have authored many books also for the preparation of the UPSC and state civil services examination. So, before moving ahead, let me share an important piece of information with you. At Abhimanyu IS, we are uh, commencing fresh batches for the preparation of the UPSC and state civil services preliminary and main examinations, targeting 2023 20, 24. Uh, this will be a one year program and will be available through offline and uh, online mode uh, we are providing 7 days free trial class also if you want to join you may click on the link given in the description and even if somebody wants to uh, join exclusively the indian economy module course uh, he or she may do that also for that purpose uh, for that also free classes will be available फ्री ट्रायल क्लासेज विल भी अवेलेबल एंड टू ज्वाइन दैट आल्सो यू नीड टू क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन तो अभी अभी मैं न्यू आई एस में हमने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सीरीज स्टार्ट की है सो ये जो कॉन्सेप्ट सीरीज है इसके अंदर आज मैं जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ रिलेटेड विद द इंडियन इकॉनमी एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ पी एल आई प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव स्कीम

बेसिस के ऊपर उनको जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं द परपज़ इज़ टू मोटिवेट दोज कंपनीज टू मैन्युफैक्चर मोर टू डू मोर सेल एंड सो दैट द एक्सपोर्ट अर्निंग्स ऑफ इंडिया में इंक्रीज वी कैन से सो दैट मीन्स जो भी एडिशनल सेल कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करेगा उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर जो उनको इंसेंटिव है वो दिए जाते हैं तो so लेटस्ट

प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव स्कीम है इट इज़ ए स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस स्कीम वॉज लॉन्चड इन ट्वेंटी ट्वेंटी एंड दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव स्कीम विच हैज़ बीन लॉन्चड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी तो मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी में ये जो स्कीम थी ये तीन पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव की थी वन इज़ द मोबाइल मैनुफैक्चरिंग एंड द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड सेकेंड इज़ द फार्मास्यूटिकल मैनुफेक्चरिंग एंड द थर्ड वन इज द मेडिकल डिवाइस मैनुफैक्चरिंग एंड बाद में ट्वेंटी ट्वेंटी में ही नवंबर में इसके इसके uh, अंदर टेन और सेक्टर्स को इंक्लूड कर दिया गया था सो दिस इज बेसिक अबाउट द स्कीम मोर अबाउट दिस स्कीम सो एज ऑफ नाउ फोर्टीन सेक्टर्स आर कवर्ड तो आज ये, ये जो प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव स्कीम है ये फोर्टीन सेक्टर्स को कवर कर रही है जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो हैं ऑटोमोबील एंड ऑटो कंपोनेंट्स वाइट गुड्स वाइट गुड्स आर दोज इलेक्ट्रिकल गुड्स दैट आर यूज डोमेस्टिकली फार्मास्यूटिकल्स टेक्सटाइल्स फूड प्रोडक्ट्स हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल स्पेशलिटी स्टील इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई हार्डवेयर टेलीकॉम

ग्लोबल चैम्पियंस इन मैनुफैक्चरिंग सो दैट भारत के अंदर हम कुछ ऐसी मैनुफैक्चरिंग कंपनीज को इस्टेब्लिश करें उनको प्रमोट करें सो दैट दे शुड बिकम द ग्लोबल चैम्पियंस इन द मैन्युफैक्चरिंग ओके सो इट मीन्स टू इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिवस आर देर वन ऑफ द ऑबजेक्टिव इज टू मेक इंडिया ए डोमेस्टिक और टू मेक इंडिया ए मैनुफैक्चरिंग हब एंड डोमेस्टिक मैन्यूफैक्चरिंग है जो इंडिया की भारत के अंदर जो कंपनीज प्रोड्यूस करेंगी उनको ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बनाना है क्योंकि इंसेंटिव स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके थ्रू हम कंपनीज़ को इंसेंटिव देंगे सपोर्ट करेंगे कंपनीज को इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगी एंड देन ऑब्वियसली उनकी ना, जो यू कैन से डे में फिक्स कंपेरेटिवली द लोअर प्राइस और डे में और दे मे स्पेंड दो इंसेंटिवस फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी आल्सो एंड इन दैट वे वी कैन एन्श्योर यू कैन सी द इंडियन मैनुफैक्चर गुड्स बींग द ग्लोबल ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंड द सेकेंड इज भारत के अंदर जो कुछ मैनुफैक्चरिंग uh, कंपनीज है उनको प्रमोट करना है टू बिकम द ग्लोबल चैम्पियंस दो दस स्ट्रेटी बिहड द स्कीम इज़ टू ऑफर कम्पनीज इंसेंटिवस ऑन यू कैन से इंक्रीमेंटल सेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स मैनुफैक्चर इन इंडिया तो इसके पीछे जो मेन स्ट्रेटजी जो काम करती है वो ये स्ट्रेटजी है कि हम कॉम्पनीज़ को uh, कुछ यू कैन से इंसेंटिव ऑफर करते हैं ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स फ्राम प्रोडक्ट्स मैनुफैक्चर्ड इन इंडिया जो प्रोडक्ट इंडिया के अंदर कॉम्पनीज मैन्युफैक्चर करेंगी उनके ऊपर हम को चेंगे इंक्रीमेंटल जो उनकी सेल होगी उसके ऊपर कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे भारत सरकार की तरफ से तो दिस इज़ द प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव स्कीम वी कैन से एंड बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्स मेक इन इंडिया भारत के अंदर एक मेक इन इंडिया स्कीम है जिसको स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिस नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज स्टार्ट दिस मेक इन इंडिया स्कीम एंड ये जो स्कीम है फिर ये कॉम्प्लीमेंट करती है मेक इन इंडिया को क्योंकि स्कीम पीएलआई स्कीम का भी पर्पज़ ये है कि भारत को हम एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब हाँ के तौर पर डेवलप करना है और हमने जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या भारत के अंदर जो प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं उनको हमें जो यू कैन से ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना है सो ये सब चीज़ें हैं a cornerstone for the government's push for achieving Atam Nirbhar Bharat. So, this is an important uh, uh, scheme. This is significant uh, in this respect also that uh, uh, it is important for achieving the Atam Nirbhar Bharat, uh, uh, this uh, uh, vision of the government and uh, to bring more FDI in India and it boosts economic growth and employment. So, through this, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करते हैं अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन एरियाज ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी इसका पर्पस ये है कि जो कोर कॉम्पिटेंसी के एरियाज हैं या uh, जिनके अंदर यू कैन से टेक्नोलॉजी इनोवेशन का स्कोप है सो so ऐसे एरियाज uh, के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना थ्रू द प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव स्कीम दैन प्रमोटिंग एफिशेंसी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ आइडल कैपेसिटी तो एफिशियंसी को प्रमोट करना है यू कैन से क्योंकि इस इससे क्या होगा कि द कंपनीज विल ट्राई टू इनक्रीज देअर मैनुफैक्चरिंग सो अगर कंपनीज अपनी मैनुफैक्चरिंग को इंक्रीज करेंगी तो ऑब्वियसली जो इनके पास आइडियल uh, कैपेसिटी पड़ी है विच कपेसिटी इज लाइंग फ्री विच इज़ नॉट बींग यूटिलाइज प्रॉपरली सो दे वुड बी एबल टू यूटिलाइज दैट आइडियल कैपैसिटी सो इट विल लीड टू प्रमोशन इन द एफिशियल्सो एंड द इकॉनमीज़ ऑफ़ स्केल ऑल्सो क्योंकि जब कोई कंपनी लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करेगी मैनुफेक्चरिंग करेगी तो ऑब्वियसली उसको जो लार्ज स्केल के ऊपर काम करने uh, uh, के लिए उसको फिर इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल जो हैं उसको उनको फिर वो मिलेंगी है ना तो देट दैट मीन्स जब आप बड़े स्केल पर काम करते हो तो आपको इनपुट्स की आपकी जो कॉस्ट कम हो जाती है फिक्स्ड कॉस्ट हैं जो उनकी डिवीज़न हो जाती है राइट सो दैट मींस जो पर जो पर यूनिट जो है फ़िक्स्ड कॉस्ट है जो वो आपकी जो कम हो जाती है एंड ऐसी बहुत सारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं हम इनको बचते होती हैं जब हम लार्ज स्केल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करते हैं दैन एक्सपोर्ट प्रमोशन सो इट विल सपोर्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन आल्सो इट विल लीड टू द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट क्योंकि ये तो इसके ऑब्जेक्टिव में ही है मेकिंग इंडिया मेकिंग इंडिया एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन सो इससे क्या होगा कि भारत को हम ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ हम लिंक कर पाएंगे विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी फॉर द ग्रोथ ऑफ़ द इकोनॉमी एंड यू कैन से फॉर फॉर कुरेक्टिंग दिस बैलेंस ऑफ ट्रेड पोजिशन ऑफ द कंट्री

तो जब मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई में गैप है जो दैट विल बिकम नैरो और जब वो गैप नैरो होगा तो प्राइसेस विल डेफिनेटली कम डाउन तो दैट इज़ द पॉइंट एंड मोर ओवर आज की डेट में हम जो कॉस्टलियर इम्पोर्ट करते हैं तो जब हमारे कंट्री के अंदर जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो ऑबियसली तो हमें इम्पोर्ट्स की ज़रूरत कम पड़ेगी राइट right? हाँ जि, जिन एरिया, जिन, एरिया, जिन एरिया, के अंदर इम्पोर्ट uh, है जो दैट इज़ वी कैन से अन वो तो हमें करनी पड़ेगी बट देर आर सर्टन एरियाज़ जो इस वजह से हैं कि हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग उतनी नहीं हो रही दो वी वी हैव द कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर और द पोटेंशियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ देयर बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू डू दैट तो ऐसी स्कीम uh, इस पर्टिकुलर यू कैन से प्रॉब्लम को एड्रेस करने में सपोर्ट करेगी करेक्शन ऑफ इंडियाज ट्रेड बैलेंस ये पहले ही मैंने आपको बता दिया बिकॉज विद दिस स्कीम नंबर वन वी विल ट्राई टू फाइंड द इम्पोर्ट्सिट्यूशन आल्सो एंड नंबर टू वी विल ट्राई टू पुश अप द एक्सपोर्ट्स आल्सो तो जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी इम्पोर्ट में थोड़ी कमी आएगी तो ऑब्वियसली जो इंडिया का जो ट्रेड बैलेंस है दैट विल बिकम करेक्टेड एंड हेल्प्स एनहांस डोमेस्टिक कैपेसिटी सो इससे भारत की जो डोमेस्टिक कैपेसिटी है दैट विल आल्सो बी एनहांस्ड And it will add to the soft power of India because when Indian economy will grow, India will become a manufacturing hub. Many foreign companies will come into India, foreign direct investment will come into India. So many countries will be associated with India and different countries, may say technocrats, aayenge, professionals, aayenge, experts, aayenge country ke so uske people to people contact. Badenge. And uh, that will lead to India India's trade, but other countries' ki sat, and that will lead to add to the soft power of the country. So, this is the uh, uh, benefit. And, uh, government target as far as the target of the government is concerned, that is to create a 60 lakh new jobs with the help of the production-linked incentive scheme and to do additional production of a 30 lakh crore during the next five years. So, next. Uh, फाइव इयर्स के अंदर जो थर्टी लाख करोड़ की जो एडिशनल प्रोडक्शन करने का भी हमारा टारगेट है सो दिस इज़ द टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट अंडर द पी एल आई स्कीम एंड इंसेंटिव अंडर द स्कीम वेरीज फ्राम वन परसेंट टू ट्वेंटी परसेंट देर आर सर्टन सेक्टर्स जिन सेक्टर्स के अंदर जो इंसेंटिव का रेट है दैट इज़ वन परसेंट फॉर फॉर एग्जाम्पल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड इट इज़ ट्वेंटी परसेंट for critical industries such as drugs and uh, drug intermediaries. so, uh, so it means, the incentive hai, that is not same across all the sectors. So incentives vary from sector to sector. but the range of incentive is from 1% to we can say 20%. so that is the range there. and uh, some other important points, the scheme is available till 2026-27. so this scheme till 2026-27, available hai.

वो सेक्टर टू तो सेक्टर वेरी करते हैं इट इज़ सेट दैट द पी एल स्कीम हैज़ पोटेंशियल ऑफ एडिंग फोर परसेंट टू इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सो ये भी माना जाता है ये जो जो प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव स्कीम है ये इंडिया के जी डी पी में फोर परसेंट तक एडिशन uh, कर सकती है इट हैज़ द एबिलिटी टू एड दैट मच टू दिस यू कैन से जी डी पी ऑफ द कंट्री सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसके अंडर क्वेश्चन विच आई हैव पुट हेयर फॉर यूर प्रैक्टिस टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव स्कीम इज आर कुरेक्ट तो इसमें है कि प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव स्कीम को लेकर के इनमें से जो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो वो कुरेक्ट हैं तो so ये हमारा क्वेश्चन है दो तो स्टेटमेंट्स दी हैं वन स्टेटमेंट इज पी एल आई इज़ ए स्कीम डिवाइज अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी ऑफ इंडिया एक तो ये है कि पी एल आई एक वो स्कीम है जिसको इंडिया की एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के अंडर हमने बनाया है क्रिएट किया है सेकेंड पी एल आई स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनानस दूसरा इसमें यह है सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू नीदर वन नॉट टू इनमें से कोई भी नहीं है तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है और आई होप कि आप ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में लिखोगे फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, दैट व्हाट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन ओके सो एंड अगर आपका कोई क्वेरी होगी कोई डाउट होगा तो मैं वो भी एड्रेस करूँगा डेफिनेटली सो so, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़रूर आंसर करोगे इस क्वेश्चन का सो थैंक यू वेरी मच दिस इज़ ऑल अबाउट टू टॉपिक ऑल द बेस्ट नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे ऑल द बेस्ट थैंक यू अगेन